आपका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है ग्रुप का प्रोग्राम, तो आप उसमें भी बने रहिए, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं वीडियो के साथ, चलते हैं आगे। और ये साथ साथ इसका ज्ञान भी हो जाएगा और नौकरी भी हो जाएगा। तो कौन किया है?
मम्मी मम्मी बीएससी एग्रीकल्चर कौची हो? बीएससी एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी का पढ़ाई होता है, साथ साथ तुम्हारा नौकरी भी लग जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे इसके बारे में तुम्हारा मौसा बताएंगे। मम्मी मम्मी मुझे भी भैया की तरह बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई करनी है। बेटा पहले भैया का एडमिशन करवा ले, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे। नहीं नहीं, इसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराएंगे हम, दस वक्त बाद इसका हम शादी करा देंगे। लेकिन पापा पापा हम तो मन करिए शादी करने का। बेटा पहले तुम पढ़ लो, नौकरी ले लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। बीएससी एग्रीकल्चर करवा दे, हम झगड़ा ना हो जो मौसा पास। टेम्पो पैसा बहुत है, पहले तुम भक्त ना पढ़ेगा तब ना पैसा होगा। इसमें पढ़ लेगा तो बाद में सरकार नौकरी भी देता है। चूंकि आप जो इंतजाम मत कर, लेट थोड़ा लगे, जाके पहले नाम लिखवा ले, मम्मी पापा गाय की नाम लिखा दे। ठीक है बेटा। मौसी जी कहाँ है? अरे बेटा मौसी खेत में गए, कुछ काम से आ रही है। ठीक है जाओ, जल्दी नाम लिखा लो। चलो बेटा सर एडमिशन करा देते हैं। इसी गांव का ये मार्केट है। मार्केट में दो सब्जी वाले हैं, एक है मंगरू एक है झंगरू। मंगरू जो है वो जैविक आधुनिक तरीके से खेती करता है और झंगरू जो है जैसे तैसे पुराने तरीके से खेती करता है। हाँ मम्मी कल को सब्जी ला ले। ले लो आलू ले लो। आओ पीछे हो। चल 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 खनिया बना दिया। हाँ बना दे तनी देखे दे तो किम्मा काम है हमारे पास का कर। अब इसी गांव की एक औरत जिसका नाम डॉली है वो बहुत बीमार है अपने खान पान के वजह से, और वो इसी गांव के एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर झटका है उनके पास अपना इलाज कराने जाती है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, उनको बहुत प्रॉब्लम है, तबीयत खराब रहता है बराबर। और क्या क्या समस्या है? और कमजोरी लगता है, थकावट लगता है, गैस का भी समस्या हो गया है। ये सब जो समस्या है, पोषक तत्व सही मात्रा में, जैसे पोषक तत्व को मतलब हो गया मिनरल न्यूट्रिशन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं मिलने से होता है। आप सब्जी कहाँ से खरीद के लाते हैं? झंगरू के यहाँ से। तो झंगरू के यहाँ से सब्जी मत लिया कीजिए, वो सही सब्जी नहीं देता है, केमिकल का मात्रा अधिक यूज करता है, जिसके कारण सब्जी में उससे कीड़ा लग जाता है। आपको जो सब्जी लेना है झंगरू के पास चाहिए, वो सही सब्जी आपको देगा। चलिए हम दिखाते हैं। हेलो देखिए बड़ी बात इधर नजर है लानी। हाँ हाँ आगे
देखिए डॉक्टर साहब हमारे सब्जी है, देखिए झंगरू का कितना फ्रेश सब्जी देख रही है। इनका जो है ना केमिकल ही ज्यादा यूज करते हैं, इसके चलते इनका सब्जी खराब है। इन्हीं से सब्जी लिया कीजिए। क्या बात है मंगरू, तो सब्जी बहुत बिक रहा है आजकल। हाँ हाँ सही बात है, नया नया तकनीक से खेती कर रही तो हमरा नहीं बतेबी। हाँ बतेबो, एगो किसान सलाहकार रहो ने वही हमरा बतेलो कि सब खेती कर अच्छा खेती है तो अच्छा से करियो जे सब्जी उगता वो अच्छा अच्छा रहता। कल चले तो लेकिन चल हमरो हेलो यस। हाँ चल अच्छा ठीक है, तो सब्जी हम घरे लेके जाइए ओकर बाद फिर फोन करबो तो चलिए ठीक। हाँ ठीक हेलो। हाँ हेलो के मंगरो। हाँ हेलो। अरे कहे तो डॉक्टर पर चल गया आज लेके। हाँ क्या। हाँ क्या। अच्छा ठीक है तो आबो ये तोर पर मोटरसाइकिल में। हाँ ने। हाँ हाँ। अच्छा ठीक तो आबो ये हमारे साइकिल में पंचर होने तो कहाँ कर भी इसीलिए आबो ये तोरे घर ठीक। हाँ हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। बुल 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 नमस्कार जानकू जी। नमस्कार जानकू जी। नमस्कार नमस्कार। और बताइए क्या हाल है सर। का बताए हमारा सब तबियत खराब है टूटल है सब। का हुआ जी बताइए। चार एकड़ में ले सब रब सब रब पीलू पड़ जाता है, भमरा आ जाता है एकदम। खेतिया कैसे कर रहे हैं आप। अरे का है ये ना बाजार लगो सामने। हाँ बदलापुर में वहीं से सब्जी लाओ ये अभी सब्जी वाला दाना लाओ यार फिर आवा जो के प्रभु नहीं। तो वहाँ पे जैसे कि दुकान में जाओ तो अगर कहीं से सर्टिफिकेट मिलल है। अरे सब कहीं दुकान में होई सर। सब हम नया जाना ये तू ही बतावा कुछ। देखा हम तोरा नया तरीका से खेती करे ले सिखाओ ठीक ना। अच्छा तो ओकरा में तू जैसे कि सही है जितना भी बीज रहा है खेत पहले अच्छा से जोताई करके ओकरा में अच्छा से बीज भी डाल के सही अमाउंट में ओकरा में जो भी सीड तू ले आना ओकरा अच्छा से ध्यान दे दिया पहले ओमा में ओमा सब चीज टोटल चीज लिखल रहे कि कितना मात्रा में देना है ठीक है। ऐसे हम तोरा एक नया तकनीकी के द्वारा तोरा खेती करे ले हम सिखाबो यू ठीक। जैसे कि देखा ये हमर प्लॉट है ठीक ठीक। प्लॉट में हम यहाँ पे हैंड पंप लगाते ठीक है। टोटल हम अभी जैसे यहाँ झारखण्ड के है तो वहाँ सिंचाई के भी बड़ी प्रॉब्लम हुआ है तो ओकरा में का करे कहना कि एक ड्रिप इरीगेशन सिंचाई आवे ठीक ना। ओकरा ओकर थ्रू तू खेती करबो तो तोहर फसल भी अच्छा होते ठीक ना। ऐसे हो है। हाँ तेरा लिए तोरा सब्सिडी भी मिला ले सरकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा ठीक ना। तो ओकरा अनुसार से तोहरा 90% सब्सिडी भी मिलता है ठीक। यही अनुसार से तू खेती करा तोहर अच्छा फसल भी होते अपन बाल बच्चा के भी अच्छा से देखबा। अरे ना जानो है जे का बोलियो। हां सब जान गेला ना। हां जा बाल बच्चा के खुश रखिए जा। ठीक 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 जा जा सब चीज दिया हमरो के है रे के रे। अरे रामलाल। अरे सोमरा कैसन बोल रे। ठीक बोल रे। और सुन लिया तो बेटी के शादी करवा ल। हां रे शादी करवा दे रे। काहे टेन के बाद करवाई दे ल। धर्म कैसे रख के बता। अच्छा तब तो बेटा बेटा कैसा ना ओके नाम कर नामांकन करवा दे ना बीएससी एग्रीकल्चर में। कब करेगी रे। अरे चुपके चुपके करवा ले लियो। बीसी बीसी करवा ले लिया। हाँ देख ले लिया जब का मामला मामर से बोले ले लिया ना। हमारे बेटा बनता ना ऑफिसर तब तो बताई तो। अच्छा ठीक देख लो देख लो ठीक अब देखते हैं दोनों परिवार के बच्चे का 4 साल बाद क्या होता है। चलो चेकर चलो लड्डू क्या कर रहा है। कितना लगा रही हो अरे लड्डू। हाँ
हाँ भैया, क्या कर रहा है अभी? आप वही सम्राट चाचा का बेटा है ना? हाँ, तुम सही पहचाना, सम्राट चाचा का बेटा है। क्या कर रहे भैया, आप ठीक ठाक रहे हो? अरे ऑफिसर है, तुम क्या कर रहा है भैया? वही जुआ खेल लेते हैं। तुम तो साला जुआ और छोकरी और बियर के चक्कर में तुम नहीं भैया, कहाँ पढ़ा लिखा में मन ही नहीं लगता भैया। तुरा रिश्ता कर लो, देख के हमारा उसने बुझाओ छोड़ी बताता है। अगले बार से नहीं होगा भैया। देखो हम अभी भी पापा के साथ करके खेती करते हैं, तुम भी खेती करो अभी से भी तो कुछ सही रहेगा। ठीक है भैया। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार था, पर उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा और आज एक गरीब परिवार एक अच्छी सी जिंदगी जी रहा है और एक अमीर परिवार अभी भी उनके बच्चे वही हाल में पाए गए। इसीलिए पढ़ाई का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज। जो बोल रहा है वही कर।